हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंड चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो पर पार्ट टू देखा था चंद्रवंश पर, आज देखेंगे हम पार्ट थ्री उत्तराखंड पर चंद्रवंश पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितने बार असफल आक्रमण किया? ऑप्शन ए है हमारा 5 बार, ऑप्शन बी है हमारा 7 बार, ऑप्शन सी है हमारा 10 बार, ऑप्शन डी है हमारा बार बार। इसका जो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें सात के सात बार ये क्या रहा था? असफल रहा था गढ़वाल पर आक्रमण करने पर। जब इसने आठवीं बार गढ़वाल पर आक्रमण किया तो ये आठवीं बार क्या रहा था? सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा सिंह किस शासक का सेनापति था? ऑप्शन ए हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी है हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन सी है हमारा देवीचंद, ऑप्शन डी है हमारा थोहरचंद। इसका जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो गैडा सिंह था ये किसका सेनापति था? लक्ष्मीचंद का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीचंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया? ऑप्शन ए हमारा 1601 ईस्वी में, ऑप्शन बी है हमारा 1602 ईस्वी में, ऑप्शन सी है हमारा 1605 ईस्वी में, ऑप्शन डी है हमारा 1610 ईस्वी में। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 1602 ईस्वी में। लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया था? 1602 ईस्वी में। जो ये बागनाथ मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? ये हमारा बागेश्वर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीचंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? ऑप्शन ए हमारा 3, ऑप्शन बी हमारा 5, ऑप्शन सी हमारा 7, ऑप्शन डी हमारा 9। जिसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 3। कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 3 श्रेणियों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था? ऑप्शन ए फौजदार, ऑप्शन बी नेगी, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी गोलदार। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जो चंद्रवंश में जो कर्मचारी होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? नेगी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परगने का शासक कहा जाता था? चंद शासन काल में परगने का शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए हमारा गोलदार, ऑप्शन बी हमारा महतम, ऑप्शन सी हमारा सरदार, ऑप्शन डी हमारा नेगी। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सरदार। जो चंद्रवंश के शासनकाल में क्या परगने के जो शासक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सरदार कहा जाता था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी है हमारा शक्ति गोसाई, ऑप्शन सी है हमारा ज्ञानचंद, ऑप्शन डी है हमारा देवी चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई को चंद्रवंश शासन में क्या कहा जाता? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? ऑप्शन ए हमारा दिलीप चंद, ऑप्शन बी हमारा ज्ञानचंद, ऑप्शन सी हमारा सोमचंद, ऑप्शन डी हमारा तिरमल चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, दिलीप चंद। दिलीप चंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? क्षय रोग से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? ऑप्शन ए हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी हमारा देवीचंद, ऑप्शन सी हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, बाज बहादुर चंद। ये प्रथम चंद शासक था जो एक चरवाहे से राजा बनने वाला एक मात्र चंद शासक कौन था? बाज बहादुर चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हमारा
बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी हमारा उद्योग चंद, ऑप्शन सी हमारा जगत चंद, ऑप्शन डी हमारा कल्याण चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। बाजपुर नगर नामक नगर किसने बसाया था? बाज बहादुर चंद ने बसाया था। वैसे ही जैसे नरेंद्र नगर किसने बसाया था? नरेंद्र शाह के द्वारा। प्रताप नगर किसने बसाया था? प्रताप शाह के द्वारा। जो कीर्ति नगर था वो किसने बसाया था? कीर्ति शाह के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था? ऑप्शन ए हमारा अकबर, ऑप्शन बी हमारा जहांगीर, ऑप्शन सी हमारा औरंगजेब, ऑप्शन डी हमारा शाहजहां। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, शाहजहां के दरबार में मूल्य वस्तु को लेकर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बहादुर की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन ए हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी हमारा लक्ष्मी चंद, ऑप्शन सी हमारा कल्याण चंद, ऑप्शन डी हमारा देवी चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा बाज बहादुर चंद। बहादुर की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? बाज बहादुर चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था? ऑप्शन ए हमारा भोटियाओं से, ऑप्शन बी हमारा हुड़ियों से, ऑप्शन सी हमारा ए बी दोनों, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों से बाज बहादुर के द्वारा कौन सा कर लिया गया था? सिरती नामक कर लिया गया था। जो ये सिरती नामक कर है ये किस प्रकार का कर है? ये नगद दिया जाने वाला क्या है? कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूठी भूमि किसने दान की थी? ऑप्शन ए हमारा लक्ष्मी चंद, ऑप्शन बी हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी हमारा जगत चंद, ऑप्शन डी हमारा उद्योग चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने कौन सी भूमि दान दी थी? गूठी भूमि दान दी थी। जो किस क्षेत्र में दी थी? मंदिरों के लिए क्या की थी? ये भूमि दान दी गई थी बाज बहादुर चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा पिथौरागढ़, ऑप्शन बी हमारा अल्मोड़ा, ऑप्शन सी हमारा चंपावत, ऑप्शन डी हमारा बागेश्वर। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है पिथौरागढ़। जो एक हथिया देवाल किस जनपद में हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है, ये किसके शासनकाल में, किस चंद के शासनकाल में बनी थी? ये बनी थी बाज बहादुर चंद के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी बनावट एरोला के कैलाश मंदिर के समान है? ऑप्शन ए हमारा बागनाथ मंदिर, ऑप्शन बी हमारा कटारमल मंदिर, ऑप्शन सी हमारा एक हथिया दीवार, ऑप्शन डी हमारा हाटकालिका मंदिर। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, एक हथिया दीवार, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो ये कटारमल मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। और बागनाथ मंदिर हमारा कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। एक हथिया दीवार जो हमारे किस जिले में स्थित है? ये पिथौरागढ़ में। और हाटकालिका मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हथिया देवार किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हमारा लक्ष्मी चंद, ऑप्शन बी हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी हमारा गरुड़ ज्ञान चंद, ऑप्शन डी हमारा कीर्ति चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के द्वारा एक हथिया दीवार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद शासक जिसने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था।
ऑप्शन ए हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन बी हमारा देवीचंद, ऑप्शन सी हमारा जगतचंद, ऑप्शन डी हमारा बाज बहादुर चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, बाज बहादुर चंद। अधिकतर एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर जो चंद वंश से जो क्वेश्चन आता है, अधिकतर हमारा जो होता है बाज बहादुर चंद से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली। ऑप्शन ए हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन बी हमारा सोमचंद, ऑप्शन सी हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन डी हमारा भारतीचंद। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, रुद्रचंद। ऐसा प्रथम शासक था, चंद शासक था जिसने कुमाऊं पर पंचायती राज की नींव डाली थी, कौन था, रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमिया खिल्लत की उपाधि दी थी। गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमिया खिल्लत की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए हमारा गैड़ा सिंह, ऑप्शन बी हमारा शिवदेव जोशी, ऑप्शन सी हमारा नीलू कठायत, ऑप्शन डी हमारा पुरुषोत्त पते। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, शिवदेव जोशी को। शिवदेव जोशी को गरुड़ ज्ञानचंद ने कौन सी उपाधि दी थी, कुमेया खिल्लत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर का विजेता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा ज्ञानचंद, ऑप्शन बी हमारा भारतीचंद, ऑप्शन सी हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन डी हमारा इंद्रचंद्र। इसका जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र को क्या कहा जाता है, शोर का विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक एवं कुमाऊं वीरांगना भागोध्वनियात के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए हमारा भारतीचंद, ऑप्शन बी हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन डी हमारा ज्ञानचंद। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, भारतीचंद। एक क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था। उसका नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था, यही था भारतीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की। ऑप्शन ए हमारा कीर्तिचंद, ऑप्शन बी हमारा रतनचंद, ऑप्शन सी हमारा भारतीचंद, ऑप्शन डी हमारा उद्योगचंद। इसका जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, कीर्तिचंद। कीर्तिचंद हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक कौन था। ऑप्शन ए हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन डी हमारा उद्योगचंद। इसका जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, लक्ष्मीचंद कुमाऊं पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम चंद शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने उसके काम के स्वरूप अधिकारियों का नामकरण किया, जैसे पानी लाने वाला, पनेरू आदि। ऑप्शन ए हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन सी हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन डी हमारा सोमचंद। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने अपने शासनकाल में जो उसके अधिकारी थे, उन्हें उनके कार्य के अनुसार उनको क्या दिया था, उनको एक एक क्या दिया था, उनको नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है, कहाँ रखा गया है वो, न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन ए हमारा रुद्रचंद, ऑप्शन बी हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी हमारा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन डी हमारा जगत चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, लक्ष्मीचंद का एकमात्र चित्र कहाँ रखा गया है, न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार रुद्रदत्त पंथ ने तपस्वी राजा की संज्ञा किसे प्रदान की। ऑप्शन ए हमारा भारतीचंद, ऑप्शन बी हमारा जगतचंद, ऑप्शन सी हमारा वीणाचंद, ऑप्शन डी हमारा
उद्योग चंद। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है जगत चंद। जगत चंद को कौन सी उपाधि दी गई थी? तपस्वी राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए हमारा काली नदी, ऑप्शन बी हमारा सेटी नदी, ऑप्शन सी हमारा कल्याणी नदी, ऑप्शन डी हमारा कोसी नदी। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक हैं, पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हमारा मौलाराम, ऑप्शन बी हमारा भजन सिंह, ऑप्शन सी हमारा गणेश सिंह वेदी, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। जिसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, गणेश सिंह वेदी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती चंद का समकालीन डोडी नरेश था? ऑप्शन ए हमारा संसार मल्ल, ऑप्शन बी हमारा यक्ष मल्ल, ऑप्शन सी हमारा नरेंद्र मल्ल, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा यक्ष मल्ल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।